देते हैं कोई झूठा कलंक लग जाए तो उस कलंक को धोने के लिए प्रसंग पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सतरा जीत ने कहा कुछ भी हो कृष्ण ही लेकर के गए हैं मणि। ऐसा झूठा कलंक लगा, भगवान कृष्ण ने सभी द्वारिका वासियों को इकट्ठा किया और कहा चलो भाई हमारे साथ चलो, हम मणि की खोज करने के लिए चलेंगे, मणि कहाँ है। सब द्वारिके वासियों को साथ में लेकर के और कन्हैया जी गए मणि खोजने के लिए। सब ब्रजवासियों ब्रजवासियों को बाहर छोड़ा और कहा मैं गुफा में जा रहा हूँ, एक महीने तक प्रतीक्षा करना, जल्दी आ जाऊंगा लेकिन एक महीने तक नहीं आऊं तो फिर समझ लेना नहीं आऊंगा, इसलिए चले जाना। बोले ठीक है महाराज। सबको बाहर छोड़ा, भगवान कृष्ण गुफा के अंदर प्रवेश किए। इस गुफा में महाराज जामवंत जी रहते थे और इनकी पुत्री जामवंती थी। उस जामवंती के हाथ में वो मणि थी, वो खेल रही थी। कृष्ण गए जाकर के हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके मणि छीनने वाले थे तभी उन्होंने जोर से चिल्ला करके पिताजी को बुलाया। पिता महाराज जामवंत जी आए और आकर के मणि तो रख दी और दोनों युद्ध करने लग गए। युद्ध करते करते एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, युद्ध चला 27 दिन तक। 27 दिन पूरे हुए, संध्या का समय था और सोने के लिए गए तो जामवंत जी के मन में विचार आया मुझे तीनों लोक में कोई हरा नहीं सकता, राम के अलावा भगवान ही मेरे साथ युद्ध करे तो ऐसी स्थिति बन सकती, बाकी तो इतना बलवान हूँ ये हो कौन सकता, पूछो तो सही। जाकर के पूछा, बोले आपका परिचय आप कौन है। तब का आज 27 दिन के बाद में पता लगा। बोले महाराज सुबह से शाम तक आप तो हमको इतना गिरा गिरा करके हड्डी पछली एक कर दिया आपने, तो अब पूछने का समय मिला, बताइए आप कौन, अपना परिचय क्या। परिचय पूछा और तभी उन्होंने कहा, बोले हम भगवान यहाँ अवतार हो गया हमारा। अच्छा महाराज तो हमें क्षमा कर दीजिएगा आप। और भगवान ने मणि लेकर के जामवंत जी ने कहा लो ये मणि आप ले लो, मणि भी ले लो और मणि के साथ ही साथ भगवान ने ऐसी कृपा की, मणि तो मिली सो मिली लेकिन साथ ही साथ कहा महाराज मेरी पुत्री का हाथ भी आपने पकड़ा है इसलिए अब ये पुत्री का विवाह भी मैं आपके साथ करता हूँ। और जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और देज में मणि दे दी, भगवान लेकर के चले आए। भगवान की दूसरी शादी हो गई, मणि ला करके वापस सतराजीत को दे दी। बोले लो भैया ये तुम्हारी मणि तुम्हारे पास रखो। सतराजीत ने मणि तो रख ली लेकिन सतराजीत का मन माना नहीं, जाकर के कृतवर्मा को सिखाया। अक्रूर जी ने जाकर के कहा कृतवर्मा तो मूर्ख है। बोले क्यों क्या हुआ। बोले सत्यभामा का विवाह तेरे साथ करना चाहते हैं सतराजीत, लेकिन अब तेरे साथ विवाह नहीं होगा।